इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे कुछ ब्रांड्स अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को इवॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही आउटडेटेड हो जाते हैं। तो एक कंपनी है दुनिया की टॉप मोस्ट फैशन कंपनीज में से, जिसका नाम है H&M। ये 1947 में स्टार्ट हुई थी, तो ऑलमोस्ट 80 साल हो गए इसको, मगर अभी भी अगर आप इस ब्रांड के बारे में सोचोगे तो आपको वो नया लगेगा। तो इन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को कैसे इवॉल्व किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये लोग आए, जब 1947 में जब ये ब्रांड स्टार्ट हुआ, तब इनकी आइडेंटिटी थी कि भाई हम लोग बहुत ही ट्रेंडी हाई एंड फैशन को अफोर्डेबल वर्जन में लोगों के सामने डालेंगे। ऑब्वियसली उस टाइम की जरूरत थी, तो ये सुपर हिट हो गए। धीरे 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 जब बहुत सारे स्टोर्स खुल गए, तो इन्होंने थोड़े बेसिक स्टाइल्स भी बनाने शुरू कर दिए। तो लोगों को लगने लगा कि यार H&M तो बिल्कुल ही बेसिक ब्रांड है, जैसे बाटा ब्रांड नहीं है इंडिया में, वैसे H&M तो बड़ा ही बेसिक ब्रांड है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको फैशन लेके आना पड़ेगा अपने ब्रांड में। तो इन्होंने क्या किया, जो 90s की बात है, 1990s की, कि इन्होंने दुनिया की जो टॉप मोस्ट मॉडल्स थी, सिंडी क्रॉफोर्ड और क्लॉडिया शिफर, नाओमी कैंपबेल, इन सब ये जो बड़े बड़े लग्जरी शोज करते थे, इनके साथ एक बहुत बड़ा कैंपेन किया और पूरी दुनिया में जहां पर भी इनकी शॉप्स थी वहां पर पूरी सिटी में इन्होंने कैंपेन किया। तो लोगों ने इसके ब्रांड के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे इनको लगा कि हमें थोड़ा और फैशन डालना पड़ेगा ब्रांड में, तो इन्होंने जितने भी लग्जरी ब्रांड्स थे दुनिया के, उन सब लग्जरी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया। वो शनेल के कार्ल लागरफेल्ड के साथ, केंजो के साथ, बल्मा के साथ, इंडिया में इन्होंने सब्यसाची के साथ किया। और जैसे ही वो कोलैबोरेशन करते, पूरे दुनिया में H&M के बारे में बातचीत होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से उन्होंने अपने ब्रांड के अंदर फैशन को इंट्रोड्यूस किया। अब 2000 में क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत सारी बातचीत शुरू हो गई। तो जो पूरी दुनिया के लोगों का जो ध्यान था ना, वो मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने की तरफ चला गया। तो ऑब्वियसली नया ट्रेंड आया सस्टेनेबिलिटी का, तो हर कोई सस्टेनेबिलिटी की बात करने लगा। मगर H&M तो फास्ट फैशन ब्रांड है, तो अब इसको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को चेंज कैसे करेगा? तो H&M ने इमीडिएटली सस्टेनेबल फैशन की तरफ अपना ध्यान दे दिया। दुनिया का जो सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी का कॉम्पिटिशन है, जिसकी अवार्ड प्राइज 7.5 करोड़ रुपए है, 1 मिलियन यूरोज, वो H&M ऑर्गेनाइज करता है। और अलग अलग तरह के सस्टेनेबल ऑप्शंस उन्होंने अपने ब्रांड के अंदर डालने शुरू कर दिए, और ये प्रॉमिस भी कर दिया कि 2030 तक ये 100% सस्टेनेबल ब्रांड बन जाएगा। तो अगर आप H&M की ब्रांड आइडेंटिटी का एवोल्यूशन देखें, तो जिस टाइम पर जिस चीज की जरूरत थी, इन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को इतना फ्लेक्सिबल रखा कि इन्होंने आराम से उस चीज को वैसे इवॉल्व कर दिया।